दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, जो कभी सपना भी नहीं देखता था, उन सपनों को हम आपको देखने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं और उन सपनों को हम पूरा भी कर रहे हैं। किसी ने कभी सोचा कि हमारा आदिवासी, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा, हमारा अल्पसंख्यक बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा? जो प्रधानमंत्री आवास देते हैं उससे बढ़िया 3 कमरे का आवास हम लोग सुसज्जित आवास बना करके देंगे और उससे ज्यादा दाम का हम लोग का आवास भी होगा। सरकारी योजना में तो पहली बार तो जेपीएससी का नियम बना, उसका नियमावली ही नहीं बना था। हम लोग रिकॉर्ड दिन में 250 दिन में बच्चों का परीक्षा लेकर उनका रिजल्ट प्रकाशित कर उनको आज हम वीडियो सीओ अलग अलग जिलों में बना के भेजे। अब राज्य में किसी भी घर में कोई भी बच्चा विकलांग पैदा होगा तो पैदा होने के 5 साल के बाद से ही उस बच्चे को पेंशन मिलेगा, ये भी हम आपके लिए कानून बना रहे। अब ये सरकार यहां के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। अब ये सरकार इस राज्य के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा तो इसकी सोच हम लोगों ने शुरू की। पहला चरण सरकार को आपके दरवाजे में, पंचायत में भेजकर आपके लिए जो सरकार योजना बनाती है उसकी गठरी बांध करके आपके दरवाजे में पदाधिकारियों को खड़ा किया। तो विकलांग को भी वही 20 साल 40 साल के बाद पेंशन मिलता था, अब राज्य में किसी भी घर में कोई भी बच्चा विकलांग पैदा होगा तो पैदा होने के 5 साल के बाद से ही उस बच्चे को पेंशन मिलेगा, यह भी हम आपके लिए कानून बना दें। हर मनुष्य की एक न्यूनतम जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज सरकार ने उन 11 लाख लोगों का, जो लोगों का डिलीट किया गया था, उन लोगों के अतिरिक्त 20 लाख अलग से हरा राशन कार्ड बनाकर के गरीबों के बीच में बांटे। हमारे यहां आज के दिन में भी 8 लाख से अधिक लोग जिनको आवास की आवश्यकता है और आज उन्हीं गरीबों के बीच में कालाजार जैसे बीमारियां फैलती है, जिनके पास आवास नहीं है। कालाजार बीमारी अमीरों को नहीं होता है, गरीबों को होता है। अभी हम लोगों ने हाल में ही पहले यहां के लोगों की सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान हो इसके लिए आबुआ आवास नाम से हम लोगों ने योजना प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। अभी आपके यहां शिविर कैंपों में भी जो हमें जानकारी मिल रही है कि आबुआ आवास का जो स्टॉल है उसमें सबसे अधिक भीड़ लगता है। हम जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे कि अभी कई जगहों से हमें इसकी जानकारी मिली है, जरूरत पड़े एक नहीं आप 2 आवास का स्टॉल लगाएं और सभी का आवेदन लेकर के उसको हमारे तक पहुंचाने का काम करें। और ये आवास जो प्रधानमंत्री आवास देते हैं उससे बढ़िया 3 कमरे का आवास हम लोग सुसज्जित आवास बना करके देंगे और उससे ज्यादा दाम का हम लोग का आवास भी होगा। सावित्री भाई फूले योजना के माध्यम से इस राज्य की 7.5 लाख से अधिक बच्चियों को हमने लाभान्वित किया है। हम उन माँ बाप से गुजारिश करना चाहेंगे, अब आपको बच्चियों का पढ़ाई का चिंता नहीं करना है, इसीलिए सावित्री भाई फूले योजना हमने प्रारंभ किया है। अभी तो 2 बच्चों के लिए हम लोगों ने सावित्री भाई फूले को चलाया था, अब घर में जितनी भी बच्चियां होंगी सबको सावित्री भाई फूले से जोड़ेंगे, उसको हम कानून बनाने जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत होगी, इसी आशा उम्मीद के साथ इस योजना को हम लोग बनाए। और जो सपने हमारे गरीब गुरुआ आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, जो कभी सपना भी नहीं देखता था, उन सपनों को हम आपको देखने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं और उन सपनों को हम पूरा भी कर रहे हैं। किसी ने कभी सोचा कि हमारा आदिवासी, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा, हमारा अल्पसंख्यक बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा? आज जाके देखिए कि हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देता है।
50,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में रोजगार दिया है। सरकारी योजना में तो पहली बार तो जेपीएससी का नियम बना, उसका नियमावली ही नहीं बना था, और नियमावली बनाकर हम लोग रिकॉर्ड दिन में 250 दिन में बच्चों का परीक्षा लेकर उनका रिजल्ट प्रकाशित कर उनको आज हम बीडीओ सीओ अलग अलग जिलों में बना के भेजे हैं।